सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है 75 जिले की 75 बड़ी खबरों का। एयरबेस में घुस रहे कार सवार चार युवक दबोचे। सुरक्षा कर्मियों ने बंदूक तानी, बैरियर लगाकर पकड़ा। नशे में धुत मिले चारों। संभल में दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत। हादसे में दो लोगों की मौत, चार घायल। दावत से लौट रहे थे घर। नोएडा की मांग पर यूपी में लागू होगा लिफ्ट एक्ट। गुजरात हरियाणा के एक्ट को बनाया आधार। प्राधिकरण शासन को भेज रहा है फाइल। बाबरी विध्वंस की बरसी मथुरा में अलर्ट। हिंदू महासभा बोली, मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। हिरासत में जलाभिषेक करने जा रहे कार्यकर्ता। अमरोहा पुलिस और पशु चोरों में मुठभेड़। गोली लगने से दो चोर और एक सिपाही हुआ घायल। अस्पताल में भर्ती कराया गया। आगरा में हाई अलर्ट। जामा मस्जिद में फोर्स तैनात। संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने किया पैदल मार्च। ओलंपिया सोसाइटी में आवारा कुत्तों का आतंक। बिस्किट खिलाने वाले युवक पर किया हमला। घटना सीसीटीवी में हुई कैद। आगरा में माहौल बिगाड़ने की कोशिश। मस्जिद की तस्वीर से छेड़खानी करने पर सोशल मीडिया फोटो वायरल की गई। चौकी इंचार्ज की बुजुर्ग महिला से अभद्रता। बोली, ज्यादा बकवास मत कर, नहीं तो शक्ल बदल दूंगा, अक्ल बदल दूंगा। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को मिलेगा गर्म भोजन। अंबेडकर नगर में 2019 से बंद था, जनवरी माह से शुरू होगा हॉट कुक योजना। सरसठवां परिनिर्वाण दिवस पर मायावती ने दी श्रद्धांजलि। बसपा प्रमुख बोली, बाबा साहेब ने संविधान बनाकर भारत का नाम देश में रोशन किया। रायबरेली में पुलिस ने छात्रा को गंगा में कूदने से बचाए। पूछताछ में पुलिस बोली, मेरे पिता पढ़ने नहीं देता, शराब पीकर मारता है। आईजी लक्ष्मी सिंह ने नोएडा ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लिया। बोली, जाम की समस्या से लोगों को जल्द मिलेगी निजात। बिजली कर्मचारी की मौत पर पांच अफसरों पर एफआईआर। बरेली के सीएम के कार्यक्रम की तैयारियों के बीच हुआ था हादसा, भाग गए थे अफसर। क्राइम ब्रांच के अफसर बनकर लूटने वाले बदमाशों से मुठभेड़। पुलिस का फर्जी आई कार्ड बरामद। डिलीवरी बॉय से लूटे थे 34,000 रुपए। एक दिवसीय दौरे पर उन्नाव पहुंचे आईजी तरुण गाबा। थानों पर निरीक्षण कर सफाई के निर्देश दिए। लंबित व्यवस्थाओं का जल्द निस्तारण करने की कहा। काशी तमिल संगमम में पहुंचा आठवां डेलीगेट। वाराणसी आ रही महिला हॉकी और पुरुष फुटबॉल की टीम 8 दिसंबर को एस्ट्रोफर्ट ग्राउंड पर पहला मैच। मऊ के वार्ड नंबर 33 से निकाय चुनाव पर चर्चा। लोग बोले, चेयरमैन के शिकायत लेकर जाओ तो केवल धमकियां मिलती हैं। उन्नाव में किसान से 2 लाख की लूट। आईजी की गश्त के दौरान हुई घटना। पुलिस बॉर्डर विवाद में उलझी रही। मिर्जापुर में 3 अभियुक्तों को 1 साल की सजा। एसटी एक्ट के तहत कोर्ट ने की कार्रवाई। 6,000 का जुर्माना भी लगाया।
नोएडा के अट्टा बाजार की दुकान में लगी आग, लाखों का गार्मेंट जलकर राख, शॉर्ट सर्किट से हो सकती है। अयोध्या में हाई अलर्ट, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात, मस्जिद के विध्वंस के बाद 30 वर्षों में राम नगरी में ऐतिहासिक बदलाव। गोपीगंज नगर पालिका में दूसरी बार बनेगी महिला चेयरमैन, प्रत्याशियों को लेकर मंथन जारी, कांग्रेस ने पूर्व प्रत्याशी ने अपनी पत्नी को मैदान में उतारा। मैनपुरी में उपचुनाव के बाद ईवीएम के निगरानी स्ट्रांग रूम के बाहर बैठे कार्यकर्ता, कल 54.36% तक हुई वोटिंग। महाराजगंज में एसजीएसटी विभाग का छापा, कई व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर जांच, दुकानदारों पर बड़ी पैमानों पर टैक्स चोरी का आरोप। बुलंदशहर में आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर एसएसपी श्लोक कुमार सिंह ने निकाला फ्लैग मार्च, फोर्स के साथ किया भ्रमण। चंदौली में जमीनी विवाद में दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। सीएम योगी के निर्देश पर जीएसटी चोरी को पकड़ने के लिए 71 जिलों में हुई छापेमारी, टीम ने 100 करोड़ से अधिक चोरी पकड़ी है। गोंडा में कर्नलगंज चौकी प्रभारी समेत हटे 11 दरोगा, कई आरक्षी भी शामिल, कानून व्यवस्था को लेकर किया गया स्थानांतरण। लखनऊ के थाना गुडम्बा क्षेत्र में दबंगों के हौसले बुलंद, मामूली कहा सुनी पर दबंगों ने युवक को जमकर पीटा, जानलेवा हमला, युवक हुआ लहूलुहान। औरैया में प्रेमी के साथ घर में पकड़ी गई बीए की छात्रा, बदनामी के डर से कर ली खुदकुशी। आजमगढ़ जिला अस्पताल में दरवाजा विहीन हुआ मर्चरी हाउस, शवों की सुरक्षा पर संकट, जानवर करते हैं छत विछत। बुलंदशहर में इंडियन आर्मी से रिटायर हुए जवान की सैकड़ों की लोगों ने किया स्वागत, जवान को फूल माला पहना कर निकाला रोड शो। फरुखाबाद में हिस्ट्री शीटर का गजब आत्मसमर्पण, कभी नहीं करूंगा अपराध, एसपी ऑफिस पहुंचा तख्ती लेकर। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाश के मुठभेड़ में हुई क्रॉस फायरिंग, मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने बदमाशों को किया गिरफ्तार। गोंडा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आशा वर्करों ने किया हंगामा, 4 माह से नहीं मिला मानदेय। हमीरपुर में सीजीएसटी टीम की छापेमारी से दुकान चालकों में मचा हड़कंप, लाला फाइन बिल्डिंग मटेरियल सहित कई अन्य दुकानों पर हुई छापेमारी। गोंडा में अवैध कच्ची शराब के खिलाफ जिला आबकारी अधिकारी की छापेमारी, छापेमारी के दौरान 1000 लीटर शराब बरामद किया गया नष्ट। कानपुर में प्रशासन हाई अलर्ट, कानपुर कमिश्नरेट के चारों जोन में लगाए गए अतिरिक्त पुलिस बल। मैजापुर रेलवे स्टेशन के निकट चलती मालगाड़ी में लगी आग, ग्रामीणों ने हल्ला मचाने पर गार्ड ने गार्ड में रुकवाया तो आग पर पाया काबू। नगर निगम निर्वाचक नामावली 2022 बनाने में की गई भारी लापरवाही, एक ही मकान में कई मतदाता।
कासगंज के कादरगंज गंगा घाट से अंत्येष्टि से लौट रहे बाइक सवार को ट्रक ने मारी टक्कर, हादसे में एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना ने 67वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि दी। भारत रत्न डॉक्टर पर भीमराव अंबेडकर को किया याद। रायबरेली कपड़ा व्यवसायी की दुकान पर जीएसटी विभाग ने छापेमारी की। छापेमारी से भड़के व्यापारियों ने दी चेतावनी। चंदौली में 3 दिन से लापता युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप। शव के पास शराब के पाउच मिलने से परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। गोंडा में भूमाफिया ने बेच डाली सरकारी जमीन। सरकारी जमीन खरीद फरोख्त, 9 लोगों के खिलाफ कोतवाली नगर में केस। हमीरपुर में ग्राम पंचायतों में हो रहे निर्माण कार्यों में हो रही धांधली। निर्माण कार्य में उपयोग किया जा रहा है प्रतिबंध डस्ट और घटिया किस्म के ईंट। रायबरेली में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। टक्कर से एक की मौके पर मौत, एक घायल। कानपुर में 2 कारों में ओवरटेक करने को लेकर हुआ हादसा। एक कार सवार युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। घायल युवक को पुलिस ने विभाग कांस्टेबल संभल में ईट भट्टे में युवक का शव मिलने से पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची सीओ संभल पुलिस बल के साथ शव को कब्जे में लेकर पीएम को भेजा। खीरी में तेज रफ्तार प्राइवेट बसों से फिर हुआ हादसा। हादसे में दर्जन यात्री गंभीर रूप से हुए घायल। जावेद अख्तर के बयान पर मौलाना सैफ अब्बास ने जताया ऐतराज। बोले जावेद अख्तर के बयान पर महिलाओं को विरोध करना चाहिए। रायबरेली में बस से बदतर जिले के सरकारी स्कूल। स्कूल में पढ़ाई की जगह छात्र करते हैं लड़ाई। छात्रों का सरेआम मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। बरेलवी मौलाना ने अहमदाबाद के शाही इमाम का किया समर्थन। बोले मुस्लिम महिलाएं गंदी राजनीति में। रायबरेली में क्षेत्रीय लेखपाल ने दलित महिला के साथ किया भद्रता। लज्जा भंग करने का किया प्रयास। पीड़ित महिला ने थाने में दी शिकायती पत्र। लखनऊ में विभिन्न क्षेत्रों में पाए गए 8 डेंगू रोगी। कुल 11 घरों में मच्छर जनित स्थितियां पाए जाने पर जारी किया गया नोटिस। रायबरेली में शिक्षा का मंदिर बना जंग का अखाड़ा। विद्यालय में सहायक शिक्षिका व प्रधान शिक्षिका के बीच हुई मारपीट। जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ में संदिग्ध परिस्थितियों में खेत में मिला पंचायत सदस्य का शव। ग्रामीणों ने दी पुलिस को सूचना। हरदोई में बाइक सवार को ट्रक ने मारी टक्कर। बाइक सवार महिला की मौके पर मौत, उसके पति की हालत गंभीर। घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। गाजियाबाद में मकान दुकानों में भीषण आग। वीआईडी शॉर्ट सर्किट से आग भड़की। रात में लोग खुद ही आग बुझाते रहे। फेसबुक लाइव पर जबरदस्त हंगामा। लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे सपा विधायक को सदन से बाहर निकाला। अखिलेश शिवपाल नहीं पहुंचे। मेरठ में 10 साल के बच्चे की सिर काटकर हत्या। हत्यारों ने शव जलाया, सिर और एक हाथ काटकर अपने साथ ले गए।
शाहजहांपुर में 15,000 लोगों को संबोधित करेंगे सीएम। डीएम बोले सीएम के रूट पर ना दिखे ढीले तार। एसपी ने कहा अचूक होगी सुरक्षा व्यवस्था। उन्नाव बिजली विभाग ने शुरू कराई पोल शिफ्टिंग। काम के लिए 39 लाख की राशि आवंटित हुई। एसडीओ और जेई मौजूद रहे। प्रसव के 48 घंटे बाद महिला करे डिस्चार्ज। हाथरस में डीएम ने डॉक्टर और कर्मचारियों के न मिलने पर काटा वेतन। पुलिस कमिश्नर से मिलने गया गिरफ्तार। छेड़छाड़ और मारपीट के मुकदमे था वांछित। कमिश्नर ने कार्यालय में गिरफ्तारी कराई। बस्ती में बंद घर में चोरी। अलमारी का ताला तोड़कर 2.5 लाख नकदी व जेवरात उड़ा ले गए चोर। अज्ञात पर केस दर्ज। फतेहपुर में सड़क पर महिला का प्रसव। जिला महिला अस्पताल के डॉक्टर पर रेफर करने का आरोप। सीएमएस ने जांच कमेटी बनाई। कौशाम्बी में 15 साल के युवक ने लगाई फांसी। पिता ने प्रेम प्रसंग के चलते डांटा था। काफी दिनों से परिवार से नाराज था। बुलंदशहर में करोड़ों की जमीन पर फर्जीवाड़ा। महिला समिति पर भूमि हड़पने में ठगी का आरोप। सिटी मजिस्ट्रेट ने की जांच। गर्भवती की मौत के बाद परिजनों का हॉस्पिटल पर हंगामा। हॉस्पिटल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। चोरी के 2 ट्रकों सहित 3 लुटेरे गिरफ्तार। गिरोह ने बुलंदशहर में सरिये का ट्रक लूटा और गाजियाबाद में चुराया प्लेट भरा ट्रक। फतेहपुर में दहेज लोभी परिवार पर मुकदमा। दहेज में कार न देने पर पति ने बनाए अप्रत्यक्ष संबंध। नशे में धुत होकर की मारपीट। कासगंज में कटान से सैकड़ों बीघा फसलें जलमग्न। अचानक पानी छूटने से हुई कटान। बम्बे का पानी हुआ ओवरफ्लो। देवरिया में नवविवाहिता का शव फेंककर भागे ससुराली जन। शादी के 8 महीने बाद ही हत्या। पति और ससुर पर हत्या का मुकदमा। जिले की 75 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।